रैंक वैंक में क्या रखा है? जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ ही टाइम में हम आपके सामने पीओटी टेस्ट 9 का रिजल्ट लाने वाले हैं, तो हम हाजिर हो चुके हैं आपके सामने पीओटी टेस्ट 9 का रिजल्ट लेके। तो जैसा कि हमको उम्मीदें थी, थोड़ा सा रिजल्ट इस बार हल्का रहा है, लेकिन उम्मीद है कि ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको कुछ थोड़ा बेटर तरीके से सोचने को मजबूर करेगा। तो गौरव सर, आप स्टार्ट कीजिए और टेस्ट को रिजल्ट शो कीजिए। मैंने कल पिछले बार कहा था कि जो नीचे के बच्चे थे, टॉप 10 वाले थे, जो 10 में गए थे, मैंने कहा था आप थोड़ा एफर्ट दिखाओ, टॉप में आओगे। और जो टॉप वाले, उन्हें लगता है कि भाई कि आप ये टॉप में आ गए, अब नीचे नहीं आ सकते, तो आप गलत फहमी में हो। कुछ भी हो सकता है टेस्ट में, नीचे वाले बच्चे ऊपर आ सकते हैं, ऊपर वाले नीचे आ सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने जैसे कहा था पिछले बार, बिल्कुल वैसे ही, जो बच्चे नीचे वाले थे वो टॉप में आ गए, जो ऊपर वाले थे वो लिस्ट में इतना नीचे चले गए कि उनके टॉप 10 में भी नाम कहीं पे भी नहीं आया। अब सोच के देखो, अगर आपको ये लग रहा कि आपको सब कुछ आता है तो भाई कुछ नहीं है फिर तो। आप अगर सीखने की चाहत आपके अंदर अगर नहीं रहेगी, ठीक है, तो आप फिर सीख नहीं पाओगे। तो किसे किसे लगता है कौन आज के टेस्ट में कौन टॉप क्या होगा, तो आप कमेंट सेक्शन उसका नाम लिख सकते हो। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अभी भी किसका नाम सही से नहीं आ रहा, चलो देखते हैं किसने आज के टेस्ट में टॉप किया। प्रेम सर, तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा है लिस्ट में, रनी सलूजा, जहां तक मुझे अंदाजा है ये सीविंग टेक्नोलॉजी से ऐसा है, जहां तक मुझे अंदाजा है। तो सीविंग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि उनके यहाँ थोड़ा सा उतने बड़े लेवल का पीओटी नहीं होता है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है रानी सलूजा। और दीपाली ये लास्ट टाइम के भी टॉपर थी हमारे यहाँ, 78 मार्क्स, तो एक्सीलेंट अचीवमेंट इन द सेंस की अचीवमेंट ये यार कि एक टेस्ट है उसमें आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो छोटी छोटी अपनी जो अचीवमेंट्स है उनको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि कोई चीज जो जॉब के लिए हो आप उसी को ही अचीवमेंट मानोगे। आप किसी कॉम्पिटिशन में जा रहे हो, आप वहाँ पे अच्छा कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट इज अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट ओनली फॉर यू, इट इज ऑल्सो अचीवमेंट फॉर अस दैट वी आर कंडक्टिंग सच अ गुड पेपर एग्जाम फॉर यू। और तीसरा जो दूसरे नंबर पे है हमारे, वो है शिव नारायण सर। ये CSA के हैं, हावड़ा से हैं। बहुत ही कमाल का इनका क्यूरियोसिटी है, बहुत ही जबरदस्त इनके अंदर सीखने की इच्छा है। अक्सर ये CSA के टेस्ट वगैरह भी बनाते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव गॉट 74 मार्क्स। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गॉट सो मच मार्क्स। द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट वॉज लिटिल बिट ऑन हायर साइड, बट वी इंश्योर दैट इट शुड बी अ ग्रेट लर्निंग फॉर यू, so we design the test for like that. Vishwambar is also our regular viewer, regular subscriber. ये regular video देखते हैं हमारी, अगर कभी हम zoom class वगैरह पे भी class लेते हैं तो वहाँ पर भी आते हैं। Thank you so much, you have got very good marks. Smita 72, very good. Hemlata जबरदस्त 70 marks, excellent. Anjali Jaiswar, बेहतरीन students, NSTI Mumbai से हमारे साथ, इन्होंने Bloom's Taxonomy पे video भी बनाई है, बहुत कमाल की जबरदस्त स्टूडेंट है ये, जबरदस्त इनका माइंड है, 68 मार्क्स। अश्वनी मिंडे, ये हमारे सबसे एक्टिव सब्सक्राइबर्स में से हैं, हमारी कोई भी वीडियो होती है कमेंट जरूर करती है, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब आप इतना अच्छा परफॉर्म, एक तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखती हैं, और उससे भी ज्यादा जो भी आप मार्क्स अच्छे लाए हो, ये वाकई में एक सभी के लिए एक मोटिवेशनल चीज है कि हाँ हमें अच्छे मार्क्स अचीव करने चाहिए, ठीक है। तो गौरव सर, अगला स्लाइड चलाइए। तो अगला जो स्लाइड है ये आपके सामने आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे सामने जो स्टूडेंट है, यहाँ पर कीर्ति कुशवाहा, जबरदस्त, मैं देखता हूँ ये काफी क्यूरियस हैं, ठीक है, ज्यादा तो इनके बारे में और कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ क्लास में एक दो बार इनको शायद देखा है। अच्छे नंबर है इनके, 66 मार्क्स। आदि भुवनेश्वर, 64 मार्क्स, जबरदस्त। भुवनेश्वर, इंदौर, कानपुर, देहरादून, सो इट इज नाउ वी हैव बिकम ग्लोबल, ठीक है, हमारे लिए पूरा इंडिया से हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपके लिए भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा हमारे साथ, हमारी जो वीडियोस हैं, क्योंकि हम पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं आपको,
ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है आप इतने अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अंकिता शर्मा 64 मार्क्स, जबरदस्त। मोनिका ठाकुर बेहतरीन स्टूडेंट्स, ये हमारे टॉप स्टूडेंट्स में से हैं, ये भी 62 मार्क्स, जबरदस्त। अंजलि और तनु हमारे एनएसटीए देहरादून से हैं, 62 मार्क्स। हम उम्मीद करेंगे इनको और बेटर थोड़ा सा परफॉर्म करने की, हम चाहते हैं कि ये टॉप 5 में रहें, थोड़ा एनएसटीए का नाम बिल्कुल पूरे इंडिया में लेके जाएं, ठीक है। तो अगर हमारी बात सुन रही है तो डेफिनेटली वी होप अ लिटिल मोर फ्रॉम यू। लीलाधर सर बहुत ही जबरदस्त क्यूरियस स्टूडेंट हमारे, ठीक है, इनके पास हमेशा कुछ ना कुछ क्वेरी रहती है कि सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त स्टूडेंट, जबरदस्त। तो 62 मार्क्स है इनके, जबरदस्त स्कोर किया है इन्होंने। अगली जो स्लाइड आ रही है इसमें आपको हैदराबाद से, कानपुर से, वडोदरा से, पानीपत से, आप खुद देख सकते हैं कि जो ओवरऑल जो स्टूडेंट्स है हमारे पास पूरे इंडिया से हैं। तो आप के अगर इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है टीचिंग के फील्ड में वो कितनी है। प्रमोद कुमार जबरदस्त स्टूडेंट हमारे, ठीक है, 60 मार्क्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। रैनी वर्मा 60 मार्क्स, बहुत अच्छे, ठीक है। राधा कुमारी ये भी बहुत जबरदस्त क्यूरियस है, हमारी हर एक वीडियो में आती है, ये लाइव चैट सेक्शन में बहुत तेजी से कमेंट करती है, जबरदस्त। किरणदीप कौर पानीपत से 58 मार्क्स, बहुत अच्छे। प्रियंका 58 इलाहाबाद से, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है ये भी, ठीक है। और दीपिका वडोदरा से 58, प्रीति कश्यप ये बड़ी जबरदस्त है, बहुत फास्ट ये रिप्लाई करती है, 58 मार्क्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, जो खास तौर से लाइव चैट सेक्शन में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के ही ज्यादा मार्क्स हैं। क्योंकि जितना आप पार्टिसिपेटिव लर्निंग के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हो, जितना ज्यादा आप उसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेट करते हो, उतना ही ज्यादा अच्छा आपका लर्निंग होता है एक्सपीरियंस। तो मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट करें, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करें, हमें आगे बढ़ने दें, हमारे चैनल को और आगे ले जाएं। काफी कम हम देख रहे हैं कि हमारे जो वीडियोस हैं कहीं ना कहीं उन पे थोड़ा सा कम व्यूअर्स आ रहे हैं, जो भी रीजन हो, काम तो हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, करवा दें, लाइक करा दें, शेयर कर दें, तो आपको भी थोड़ा सा, हमें भी थोड़ा सा और अच्छा लगेगा कि हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। गौरव सर आगे बढ़ाइए स्लाइड। गौरव सर आगे आगे है सर, इतने के टॉप 10, ठीक है। तो आज का जो टेस्ट था थोड़ा सा ये अपर हैंड पे था, ठीक है। थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा लगा कि मतलब अपर हैंड इन द सेंस कि हमने इसमें एक्चुअली 2017 का हम लोग एक पेपर देख रहे थे पीओटी का, तो हमें भी ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं उसमें जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो इतने आसान नहीं होते हैं। मतलब पहले तो हमें बल्कि ये लगता था कि पता नहीं हम पीओटी में पास भी होंगे या नहीं होंगे, बट हम लोगों ने मेहनत की, आप लोगों ने भी हमारे साथ काफी सपोर्ट किया, मेहनत की, तो आज की डेट में तो काफी अच्छा स्तर हम लोगों ने बना लिया है। बट अभी भी ये है कि थोड़ा सा हम लेवल को कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि जो आपका टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है या टीचिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको थोड़ा सा और डीपली और बेटर तरीके से आपको समझाया जाए, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा आज टेस्ट का लेवल हाई रखा था। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं 78 मार्क्स तक हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं या आप जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्कोर किया है, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्तर है, ठीक है। तो जाते जाते मैं आपके सामने एक पोएट्री सुनाना चाहूंगा, ठीक है। तो पोएट्री कुछ इस तरह है कि दिल में ना हो जरूरत तो मोहब्बत नहीं मिलती, दिल में ना हो जरूरत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती, कुछ लोग यूं ही शहर में खफा है, कुछ लोग यूं ही शहर में खफा है, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती, देखा था जिसे मैंने कोई और था शायद, देखा था जिसे मैंने कोई और था शायद, वो कौन है जिससे तेरी सूरत नहीं मिलती, हंसते हुए चेहरों से बाजार की है जीनत, हंसते हुए चेहरों से है बाजार की है जीनत, रोने को यहाँ वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती, रोने को यहाँ वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती। गौरव सर तो यहाँ पे देखो, मैंने बोला था आपसे कि टॉप 10 बच्चों का नाम सिलेक्ट होगा, पर ये है कि आज जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर था उनके ही नंबर थे, पर जो टॉपर थे जो एक तरह से कुछ ऐसे पर्सन थे जो के रट्टा मारते हैं, ठीक है। तो भाई मैं सच्चाई बता दूं, अगर चाहते हो कि रट्टा मार के पीओटी के पेपर निकाल दो तो भाई एग्जामिनर के ऊपर है कैसे पेपर सेट करता है। अगर उसने पेपर टिप कर सेट कर दिया, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है
तो पास होने भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको बहुत से बच्चों को मजाक लग रहा है, पर मजाक ये नहीं है। यहाँ पे देखो रानी सलूजा मैम दीपाली में टॉप 10 में क्यों आ रही, टॉप 1 में क्यों आ रही, इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, ठीक है, इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है जी, है ठीक है, इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है तो इसलिए टॉप में आ रही। दीपाली मैम, रानी सलूजा मैम ये टॉप में इसलिए आ रही, इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है। और शिव नारायण सर ये तो उस्ताद है बिल्कुल, एक मास्टर आदमी है, इन्होंने भी बहुत मेहनत किया, 74 नंबर है इनके, इनके लिए बहुत ज्यादा तालियां। तो आप नहीं बजा सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप इनके बारे में जो भी है थोड़ा बहुत लिख सकते हो। समिता मैम कानपुर से 72 नंबर, इनके लिए भी बहुत 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 कांग्रेचुलेशन, ठीक है, आप इनको बधाई दे सकते हो। हेमलता मैम है, साथ साथ पांचवें नंबर पे दो, देखो पांचवें नंबर पे दो ऐसे ट्रेनर है जो दोनों आपके मुंबई से ही है, एक अंजलि जायसवाल मैम है और दूसरा अश्विनी मिंदे मैम है, ये दोनों के दोनों मुंबई से ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो और मैं आगे दिखाता हूँ, ये टॉप 5 हो गए। आप भी चाहते हैं टॉप 5 में आना तो थोड़ा बहुत आपको तो एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या था आपका, अगला क्या था आपका, प्रीति कुशवाहा, ये उड़द्रा से इनके 66 नंबर थे। उसके बाद आदि और कृतिका शर्मा, ये आपके भुवनेश्वर और कानपुर से इनके 64 नंबर है। जबकि आठवें नंबर पे चार ट्रेनर्स है, मोनिका ठाकुर, अंजलि और तनु, ये देखो दोनों देहरादून से है, मोनिका मैम ये इंदौर से है, और लीलाधर सर इनका अभी मैं 500 बार इनसे बोल चुका हूँ सर अपने एनएसटीआई का नाम बता दो, पर ये नाम मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इनके 62 नंबर है। और लास्ट के जो टॉप जो 10 है, 9 और 10 उनका देख लेते हैं। तो प्रमोद कुमार हैदराबाद से, रैनी वर्मा कानपुर से 60 नंबर इनके। उसके बाद जो 10वें नंबर पे है, यानी कि मैं कुल मिला के कह सकता हूँ जो आज टेस्ट हुआ ना बच्चों के बहुत कम नंबर है यार, मुझे उम्मीद नहीं था कितने कम नंबर आएंगे। टॉप 10 वाले जो है उनके देखो 58 तक गया, पिछले बार 70 नंबर थे, 70 नंबर थे, इस बार 58 तक गया। राधा कुमारी, किरणदीप कौर, प्रियंका, दीपिका, कृतिका कश्यप, ये सबके 58 नंबर है, ठीक है, तो ये बहुत कम नंबर है यार, आपको थोड़ा सा मेहनत कम करना, आप ज्यादा करने पड़ेगा आपको, ठीक है। जब तक आप एफर्ट नहीं दिखाओगे, मेहनत नहीं करोगे, तो भाई कैसे होगा, आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। मैंने कहा था कि जो टॉप 10 बच्चे हैं उन्हें तो मेहनत करना ही करना है, जो नीचे वाले ट्रेनर्स है ठीक है उन्हें भी मेहनत करना है। बहुत से ट्रेनर्स के मैसेज आ रहा था सर उनका लिंक सबमिट नहीं हो रहा, भाई कैसे हो जाएगा, आप सारे क्वेश्चन पर क्लिक नहीं करोगे कैसे हो जाएगा, आपको अलर्ट रहना है बिल्कुल, एक घंटा है तो एक घंटा है, ये नहीं कि मैं 2 घंटे लिंक एक्टिवेट कर दूंगा, ऐसे नहीं होने वाला, बिल्कुल अलर्ट रहना आपको, एक घंटा है तो एक घंटा आपको पेपर 30 मिनट में 40 मिनट में करना है आपको, ठीक है, जितने कम टाइम में करोगे आपके लिए बेस्ट होगा, तो समझ रहे हो ना, आपको मजाक में बिल्कुल नहीं रहना है, पढ़ाई में जितना आप ऐसे मजाक कर लो मस्ती कर लो सब कुछ चलेगा, और टेस्ट में आपको बिल्कुल अलर्ट रहना बिल्कुल, ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान देना है, मजाक में टेस्ट नहीं होता, टेस्ट के लिए आपको एफर्ट दिखाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, जिसका टेस्ट में नहीं आया कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मेहनत करो, क्या पता अगले टेस्ट में आप टॉप 10 पे आ जाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, जय हिंद जय भारत। रैंक रैंक में क्या रखा है, जीवन का असली आधार तो प्रेम है ना।